नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। आज मैं आपको कहानी बताऊंगी कोयलांचल की, कोयलांचल की राजनीति की, राजनीति भी कांग्रेस पार्टी की। कोयलांचल में इन दिनों कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात कर लें तो तब और अब कांग्रेस कोयलांचल में दम भर रहा है। पार्टी को अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो सत्ता में फिलहाल हैं उन्हें कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, और जो सेकेंड और थर्ड लाइनर हैं उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो गुटबाजी है इन दिनों चरम सीमा पर है। एक ज़माने में कांग्रेस कोयलांचल में राज करता था, तूती बोलती थी। ददई दुबे का जब राज था, और अगर बात करें तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को वहाँ की जनता को आज भी ज़रूरत है। इंटक के बदौलत कोयलांचल की राजनीति में कांग्रेस दम भरता था, लेकिन कांग्रेस का अगर हम देख लें तो एक भी सीट पर, मात्र और मात्र झरिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस की एक सीट पर विधायक पूर्णिमा सिंह है। वह भी कांग्रेस की लोकप्रियता के कारण नहीं, कारण यह है कि वहां के बाहुबली घराने की अगर हम बात कर ले, सिंह मेंशन परिवार में पारिवारिक जो क्लेश है उसके बढ़ने के कारण, सहानुभूति के कारण वहाँ झरिया की जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में गई थी। पाले में जाने के बाद अगर देखा जाए तो 2005 में स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह वहां से विधायक चुनी गई थी। फिर 2009 में भी कुंती सिंह ही वहां से चुनाव जीती थी बीजेपी की टिकट पर। 2014 में संजीव सिंह वहां से विधायक बने। संजीव सिंह स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के पुत्र हैं और फिलहाल अभी वह जेल में हैं। वो विधायक जरूर बने 2014 में, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट से जब वहां से चुनाव लड़ा गया तो देवरानी और जेठानी वर्सेस चुनाव हुआ, जिसमें जेठानी को हार का शिकस्त करना पड़ा और देवरानी वहां से कांग्रेस की सीट पर बहुमत के साथ जीत हासिल की। कांग्रेस की लोकप्रियता की सीट नहीं है झरिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सहानुभूति की सीट है। लोकप्रियता की अगर बात करें तो कांग्रेस का कोयलांचल में फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं है। जिला अध्यक्ष की बात करें तो जब मनान मलिक का जमाना था और दौर था तो उस समय भी कांग्रेस में एकजुटता दिखाई देती थी। कांग्रेस के जो आलाकमान हैं, चाहे वो प्रदेश के हों या दिल्ली से बैठे आलाकमान हैं, वो सही अगर दिशा नहीं कांग्रेस को कोयलांचल में देते हैं तो जो 30 सालों बाद सीट कांग्रेस को मिली है वह भी हाथ से जा सकती है। देखिए इस पूरे रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं कोयलांचलवासी। देखिए, उस वक्त कांग्रेस का राज भी था और आज़ादी स्ट्रगल करके लोग आए थे, और सारे जनताओं को जो है कांग्रेस पर विश्वास था। जो भी खड़ा होता था सब जीत जाता था, लेकिन कहीं ऐसा नहीं था कि भाई कोई दूसरा पार्टी भी था अस्तित्व में। जहाँ जवाहरलाल नेहरू चले गए पैर धर दिया, श्री बाबू चले गए पैर धर दिया, या जो भी थे नेता उस वक्त फ्रीडम फाइटर, उनको तरजीह मिलता था। और उसके बाद भी देश का उन्होंने डेवलपमेंट किया, मतलब 70 के दशक में जो कांग्रेस था वो धनबाद में भी काफ़ी मजबूत रहा, काफ़ी मजबूत था। कमज़ोर कब से हुआ? कमज़ोर देखिए जो है, कमज़ोर तो आप बोलिएगा कि हम ही लोग के वजह से शुरू हो गया। जयप्रकाश बाबू को नहीं, जब एजिटेशन शुरू हुआ उससे कमज़ोर शुरू हो गया, और क्या। कहते हैं कि कांग्रेस का एक यहाँ कांग्रेस से इतर जो है विवाद इंटक का सबसे ज़्यादा रहा, और इंटक के बीच में जो घमासान हुआ, विवाद हुआ, वो भी कांग्रेस को कमज़ोर किया धनबाद में। नहीं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो है पहले जो है दूसरे लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे रामनारायण शर्मा थे, फादर थे, और सभी लोग थे, मिल कर के अलग यूनियन चलाते थे। RCM नाम की चीज़ नहीं थी, वो कांग्रेस के नाम से थी। और कांति मेहता वगैरह आए और BP सिन्हा आए, सोशलिस्ट पार्टी में थे, जब मिल कर के RCM में सिंटेक को बनाया, उसमें थोड़ा विवाद हुआ। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि ददई दुबे और राजेंद्र सिंह के बीच में इतना ज़्यादा गहरा विवाद रहा इंटक में, जिसके कारण इंटक दो फाड़ में टूट गया। उसकी वजह से क्या विवाद हुआ? देखिए, राजेंद्र वो या
दुबे के विवाद से कोई कमजोरी नहीं हुई, इसमें चंद लोग अलग हुए, चंद लोग ऐड हुए। और आज की स्थिति में यह है कि साहब जब मैन पावर ही कम है, जहां आदमी हमको लगता है कि 20-25-30 हज़ार है, उसी में बंटवारा ना हो यूनियन में। 1960 और 70 के दशक में जो कांग्रेस में आते थे वो निस्वार्थ भाव से कांग्रेस की सेवा करने के लिए आते थे, और समाज की सेवा कैसे हम कर सकें उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी में जो भी शामिल होते हैं, हमको लगता है कि उनको सेवा भाव से ज़्यादा अपने स्वार्थ की ज़्यादा चिंता रहती है, और इसीलिए आज कांग्रेस कुछ कमज़ोर हुई है पहले से। और मेन कारण है कि ऊपर में कार्यकर्ताओं को सुना नहीं जाता है, कार्यकर्ताओं से मिला नहीं जाता है। जब तक कार्यकर्ताओं से नेता मिलेगा नहीं, और जब तक कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं समझेगा और जानेगा नहीं, तब तक बहुत मुश्किल है कि नेता समझ पाएगा कि क्या चीज़ की कमी है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए 60 और 70 में आज हम कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं कि काफ़ी अंतर हो गया है। देखिए, इंटक तो केवल जहां मजदूर ज़्यादा काम करते हैं वहां ज़रूर कांग्रेस मजबूत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। केवल कोयला संगठन में ही इंटक का विवाद है, और दूसरे चाहे वो इस्पात हो या अबरक हो या लोहा हो, कहीं भी किसी तरह का विवाद नहीं है। इसलिए केवल कोयलांचल में और कोल सेक्टर में ही केवल विवाद है, और इंटक में कहीं विवाद नहीं है। और ये हम ज़रूर मानते हैं कि ये विवाद जब से शुरू हुआ है तब से कोयलांचल में, या यूँ कहें कि कोल सेक्टर में, इंटक कमज़ोर हुई है। और इंटक जब कमज़ोर होगी तो कांग्रेस पे भी उसका कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए आज के दिन में इंटक और कांग्रेस दोनों को मिलकर चलने की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी में उन्हीं को तरजीह दिया जाना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर सकें, और सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से आते हैं। उनकी पूछ होना चाहिए, उनकी जो समस्याएं हैं, जो समस्या वो रखते हैं, उसको ज़रूर नेताओं को दूर करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस पिछली स्थिति में आएगी। डॉक्टर रेड्डी साहब के नेतृत्व में, जी के नेतृत्व में देश का सबसे मजबूत और पहला नंबर वन का श्रमिक संगठन इंटक आज के तारीख में है। वर्तमान भाजपा सरकार की सोच, नीयत और नीति मजदूर और किसानों के खिलाफ है। वर्तमान सत्ता के, भाजपा सत्ता की राजनीति के चलते लोगों, श्रमिक जमात और आम गरीब लोगों को इसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे फेडरेशन में, कोल फेडरेशन की बात आपने की, कोल फेडरेशन में राजेंद्र बाबू के निधन से संगठन को गहरा धक्का लगा है। राजेंद्र बाबू एक मजबूत नेता थे कोयला उद्योग के और देश के मजदूरों के, और इंटक के राष्ट्रीय महासचिव रहे बरसों तक। उनके निधन से जरूर इंटक में एक खालीपन आया है, लेकिन जो सरकार की सोच, नीति, नियत है भाजपा सरकार की, उसने श्रमिक कानून को पूंजीवादी परस्त बना दिया है। हमने इंटक के प्रति मजदूरों का विश्वास है, भरोसा है। कांग्रेस से 5-7 साल कवल तक, लगभग 3-4 दशक तक से जुड़े हुए आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व की तुलना में कांग्रेस वर्तमान में काफ़ी कमज़ोर हुई है। अब इसके 2-3 मुख्य कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण मेरी समझ से ट्रेड यूनियन इंटक का आपसी बिखराव, टकराव है,
प्रतिफल ये है कि तमाम जो भी कद्दावर नेता थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बट चुके हैं। और धनबाद जिला में इंटक संगठन या ट्रेड यूनियन संगठन का कांग्रेस पर असर होना ही होना है। नतीजा क्या है कि तमाम नेता बिखरे हुए हैं, आपस में मिलते नहीं है और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। धनबाद में कांग्रेसियों को त्याग और तपस्या के राजनीति की शुरुआत फिर से करनी होगी। कांग्रेस का हालात यही बयां कर रहा है। धनबाद जिला की अगर बात करें तो जो कार्यालय है जिला का, वहां पर ताला जड़ा हुआ है। महागठबंधन की सरकार है राज्य में, कांग्रेस सत्ता में है, फिर भी धनबाद जिला कोयलांचल में अगर ताला जड़ा हुआ है तो यह बेहद ही कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। अगर कांग्रेस में गुटबाजी इन दिनों बढ़ी हुई है तो इसे घटाया जा सकता है। चाहे वह दिल्ली के आलाकमान हो या प्रदेश के आलाकमान, इस पर ध्यान देंगे तो कांग्रेस धनबाद में फिर से अपनी पुराने रंग को जमा सकती है। आज भी पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता का कहना है कि धनबाद में अगर इंटक के बदौलत जो पुराने लोग थे वो सक्रिय रहते थे तो जो गुटबाजी है इन दिनों, क्लेश चल रहा है, आंतरिक क्लेश चल रहा है, इसे खत्म करने की आवश्यकता है। तभी धनबाद में कांग्रेस फिर से अपना परचम लहराएगी।